चलिए तो आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर की सेकेंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये कुछ नंबर दिए हुए हैं, इन्हें हमें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहला नंबर दिया हमें 140। देखिए 140 को हम, अब ये छोटा नंबर है, कोशिश करें इसको मेंटली करने की, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे। तो 140 को आप क्या क्या लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर के टर्म में, 2 से ये इजली डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 70, फर्दर 70 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा कितना आएगा 35। देखिए दो 2 आ रहे हैं तो ये हो गया 2 स्क्वायर, और 35 को हम लिख सकते हैं 5 × 7, तो ये 140 के प्राइम फैक्टर हो गए, 2 स्क्वायर × 5 × 7। ओके, इसी तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन है 156, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। ये 2 से इजली डिवाइड हो जाएगा, देखिए 156 है, 150 का हाफ हमें मालूम है आराम से कि कितना होता है, 75 होता है, और 156 है 6 का हाफ कितना हो जाएगा 3, 75 प्लस 3 कितना हो गया 78। तो जब इसको 2 से डिवाइड कर रहा है तो कितना मिल गया हमें 78 मिल गया, और 78 को जब फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 39। तो यहाँ भी आ जाएगा 2 स्क्वायर, और 39 को क्या लिख सकते हैं 3 × 13, तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 3825, इसका थर्ड पार्ट है 3825। अब ये थोड़ा बड़ा नंबर है तो इसको हम कॉलम मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। 3825, पहले देखें 3 से डिवाइड हुआ क्या नहीं, तो हम यहाँ पर 3 का डिविजन टेस्ट लगा सकते हैं, इवन नंबर तो है नहीं तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। अब देखिए ये 5 + 2 कितना हो गया 7, 7 + 8 कितना 15, 15 + 3 = 18, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका सम 3 का मल्टीपल आ रहा है, दैट मीन्स कि 3 से डिवाइड होगा। अब देखिए 3 से डिवाइड, जब 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि पूरे नंबर्स को ऐड करें, यहाँ पर हम ऐसा देख सकते हैं एक 3 था तो मालूम है 3 से डिवाइड हो जाएगा तो उसको हम छोड़ सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर 8 + 2 कितना हो रहा है 10, 10 + 5 = 15, तो 15 3 से डिवाइड होगा, यानी ये होल नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 22, 3 × 7 = 21, 1 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। फर्दर देखते हैं 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर देखिए 2 + 1 = 3, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 7 + 5 = 12, 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, 1 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। अब यहाँ पर 4 + 2 = 6, ये तो 3 से डिवाइड होता है पर 5 3 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो इसका मतलब पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 5 है, दैट मीन्स कि 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 × 8 = 40, 25, 5 × 5 = 25, फर्दर 5 से डिवाइड होगा 17 × 5 = 85। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं 3825, इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17, तो ये हो जाएगा कितना 3² × 5² × 17, ये इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। फोर्थ पार्ट है इसका 5005, देखिए 5005, 3 से चेक करें 2 से तो होगा नहीं क्योंकि इवन नंबर नहीं है, 5 + 5 = 10 होता है, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये डिजिट 5 है, दैट मीन्स कि 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 × 5 = 5, ओके। फर्दर ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं है तो उससे बड़े प्राइम नंबर से देखना पड़ेगा, 7 से चेक करते हैं, तो ये देखिए 7 × 7, और ये हो जाएगा 30, 7 × 4 = 28, 21, वो भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 × 7, 3 × 0 = 30, 7 × 4 = 28, 21, 21, 7 × 3 = 21, हम मिल गया 143, ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, 7 × 2 = 14, 3 बच जा रहा है। अब आप एक चीज ध्यान दें, देखिए 3 + 1 = 4, इन दोनों डिजिट का सम, जो मिडिल वाला डिजिट है, ये दोनों डिजिट का सम है 3 + 1 = 4, इसका मतलब है कि 11 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो इसको 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए क्या आ रहा है, 11 × 1 = 11, 33, 11 × 3 = 33, देन 13 को देख प्राइम नंबर है। ओके, तो क्या मिल गया हमें 5 × 7 × 11 × 13। ओके, इसका फिफ्थ पार्ट
7429। चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं, 7429। अब ये इवन नंबर तो है नहीं, तो 2 से डिवाइड होगा नहीं। अब इसका सम चेक करें क्या 3 से डिवाइड होगा। देखिए 9 3 से डिवाइड किया तो 4 प्लस 2 6, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 7 से 3 से डिवाइड नहीं होगा, न होल नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसका यूनिट डिजिट ना तो 0 है ना 5 है, बोले 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब 7 से चेक करते हैं तो 7 बन जाए 7, 7 6 जा 42, ये 9 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 7 से भी होल नंबर डिवाइड नहीं होगा। देन उससे बड़ा प्राइम नंबर 11, 11 से चेक करें तो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें पता है, इवन प्लेस पे जो डिजिट होते हैं उनको ऐड करें और जो ऑड प्लेस पे डिजिट है उनको ऐड करें और उसका सम, उनके सम का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। यहाँ पर देखिए 7 प्लस 2 9 हो रहा है, 9 प्लस 4 13 हो रहा है, 13 माइनस 9 कितना आ रहा है 4, ना तो ये 0 आ रहा है ना 11 का मल्टीपल आ रहा है, दैट मीन्स कि ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। 13 से चेक करते हैं, 13 5 या 65, 74 माइनस 65 कितना हो रहा 9, तो 92, 13 7 या 91 1919, तो ये 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 13 से बड़ा प्राइम नंबर क्या है 17, 17 से चेक करते हैं, 17 4 जा 68, 74 माइनस 68 कितना आ गया 6 62, 73 जा 51, 62 माइनस 51 11, तो ये 119 आ जाएगा, 17 7 जा 119, तो ये 17 से डिवाइड हो जाएगा। ओके 17 4 जा 68, 74 माइनस 68 कितना आ गया 6 62, 17 3 जा 51 11, 119, 17 7 जा 119। ओके फर्दर इसको 17 से चेक करते हैं, 17 2 जा 34, 43 माइनस 34 9 97, तो 97 17 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये होल नंबर 17 से डिवाइड नहीं हो रहा है। उसके बाद 19 से चेक करते हैं, इससे बड़ा प्राइम नंबर 19 2 जा 38, 43 माइनस 38 5 57, तो ये 957, 19 3 जा 57, तो 19 से डिवाइड हो जाएगा ये। ओके तो 19 2 जा 38, 57, 19 3 जा 57, 23 एक प्राइम नंबर है। ओके तो 7429 इसको हम लिख सकते हैं, 70 × 90 × 23। ओके तो जो नंबर्स गिवन थे ये उनके प्राइम फैक्टर हो गए, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना था। ओके अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब यहाँ पर देखिए हमें ये इंटीजर्स के पेयर गिवन है और हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और इस रिलेशन को वेरीफाई करना है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, इतना है 26 एंड 91, तो 26 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 × 13, देन 91 के प्राइम फैक्टर करेंगे 7, 13 7 जा 7 × 13। ओके इसका एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा, इसमें सभी प्राइम नंबर्स क्या क्या हैं, 2 7 और 13 है और इनकी हाईएस्ट पावर सबकी कितनी है 1 है, तो 2 × 7 × 13 इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर 13 है, इसके अलावा और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ कितना हो गया 13, 13 7 जा 91, 91 × 2 90 × 2 180 + 2 182, तो ये हो गया 182, तो एलसीएम हो गया 182 और एचसीएफ कितना हो गया 13। ना रिलेशन को वेरीफाई करना है हमें, एलसीएम इंटू एचसीएफ अगर इनका प्रोडक्ट हम करें तो देखिए कितना मिल रहा है 182 × 13, 13 2 जा 26, 26 6 carry 2, 13 8 जा 104, 104 + 2 106, 10 carry over, 13 1 जा 13 + 10 23, 2 3 6 6, ये एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट आ रहा है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ
क्या क्या गिवन था, 26 एंड 91, प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91, तो ये देखिए कितना आ गया, 26 इंटू 91 इज इक्वल टू, अब इसका जो ट्रेडिशनल मेथड है वो तो हमें अच्छे से आता है इसको मल्टीप्लाई करना, हम इसको थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए 26 और 91 इसको अगर हम मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है उसको मल्टीप्लाई कर लें, 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा 6, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, 2 इंटू 1 2, 9 इंटू 6 54, 54 प्लस 2 56, 56 6 क्या ये हुआ 5, ओके। फिर जो 10th प्लेस पे डिजिट है उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 23, फिर से देखिए क्या किया था, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उनको मल्टीप्लाई किया था, 6 इंटू 1 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, 2 1 जा 2 9 6 जा 54, 54 प्लस 2 कितना आ गया था 56, 6 कैरी और 5, फिर जो 10th प्लेस पे डिजिट है उनका मल्टीप्लाई किया था, 9 2 जा 18 प्लस 5 23, 2 3 डबल 6, तो इनका प्रोडक्ट कितना आ गया 2 3 डबल 6, ओके। हेंस LCM of 26 and 91 into HCF of 26, 91, this equal to product of 26 and 91, okay। तो ये relation verify हो रहा है, देखिए LCM और HCF का product 2366 आ रहा है, दोनों का product, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी 2366 आ रहा है, और ये रिलेशन हमें वेरीफाई करना था। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, सेकंड पार्ट है इसका 510 एंड 92, ओके। तो देखिए 510 को फैक्टराइज करते हैं, आप ध्यान दें इसको 51 इंटू 10 लिख सकते हैं हम, ओके 51 इंटू 10, तो 10 के फैक्टर तो 2 और 5 हो जाएंगे, और 51 क्या होता है 17, 3 जा 51, तो क्या क्या आ गया 10 में से, ये 2 आ गया 3 इंटू 17 इंटू 5, तो ये इसके प्राइम फैक्टर मिल गया, ओके। देन 92 के प्राइम फैक्टर क्या क्या मिलेंगे, 92 2 से इजिली डिवाइड हो जाएगा, 92 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 46, 46 फर्दर डिवाइड होगा तो कितना मिलेगा 23, ओके okay, तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 23, यानी 2 स्क्वायर इंटू 23। अब इसका एलसीएम, अब देखिए क्या क्या प्राइम फैक्टर है इस पर, 2 आया है, 3 है, 5 है, 17 है एंड 23 है, इसमें 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये 2 स्क्वायर आ जाएगा, ओके okay? ये इसका एलसीएम हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका एस सी एफ क्या आ जाएगा, इसमें से कॉमन क्या है, केवल 2 कॉमन दिख रहा है इसमें से, ओके तो कितना आ जाएगा 2, 2 इसका क्या आ गया एच सी एफ आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दें 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 5 जा 20, 20 इंटू 3 60, तो ये तो हमें कितना मिल गया 60, ये कितना मिल जा रहा है, ये मिल गया 60 और इंटू 17 इंटू 23, तो 17 और 23 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 17 इंटू 23, देखिए 17 3 जा 51, तो 1 आ गया 5 कैरी ओवर, 17 2 जा 34, 34 प्लस 5, 34 प्लस 5 39, 391, और 391 इंटू 60 ये कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 5 कैरी ओवर, 6 3 जा 18, 18 प्लस 5, 18 प्लस 5 23, 2 3 4 6 और 1 जा 0, 2 3 4 6 0, ये आ रहा है LCM। नाउ LCM इंटू HCF अगर इनका प्रोडक्ट करें तो कितना आ रहा है 2 3 4 6 0 इंटू 2, तो ये कितना मिलेगा हमें, 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो देखिए कितना आ जा रहा है, ये 0, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 6 9 2 0,
पीएन का प्रोडक्ट आ जा रहा है, एलसीएम और एससीएफ का। अब इन दो नंबर का प्रोडक्ट करते हैं, 510 इंटू 92। ओके, अब देखिए 510 और 92 का मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूं, 51 और 92 का मल्टीप्लाई कर दूं और एक जीरो प्लेस कर दूंगा। देखिए 51 और 92 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये 2 1 2, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 2 10, 9 1 9, 10 प्लस 9 कितना हो गया, 19, कैरी 1, 9 5 45, 45 और 1 46, 4692। फिर से देखिए क्या किया, पहले यूनिट प्लेस पे जो डिजिट थे उनका मल्टीप्लाई किया 2 1 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5 2 10, 9 1 9, 10 प्लस 9 19, कैरी 1, 9 5 टेंथ प्लेस वाले डिजिट का मल्टीप्लाई करा, 9 5 45, +1 46, 4692। ओके, तो ये आ गया 4692 और एक ये 0, 46920। तो यहाँ भी देखिए 46920 आ रहा था, यहाँ भी 46920 आ रहा है, हेंस ये लिख लेते हैं, हेंस एलसीएम ऑफ किस किस नंबर का, 510 एंड 92 इंटू एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92, दिस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92। तो ये एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट और इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट ये कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, और ये हमें वेरीफाई करना था, वेरीफाइड। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। थ्री 36 एंड 54। ओके, तो 336 के प्राइम फैक्टर करते हैं। अब देखिए 336 में जो 36 है, लास्ट टू डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा था, ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो अगर इसको 4 से डिवाइड करते तो कितना मिलेगा, 4 8 32 16, 4 4 16। ओके, 4 into 84, ये फर्दर 4 से डिवाइड हो रहा दिख रहा है हमें, तो 4 into 4 into 4 2 8, 4 1 4। ओके, तो इसको लिख सकते हैं 2 square, इसको भी 2 square, इसको लिख सकते 3 into 7। तो 336 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 square into 2 square एंड 2 raised to the power 4, 21 को लिख सकते 3 into 7, देन 54। तो देखिए 54 को क्या लिख सकते हैं, 27 into 2, तो 2 into 27 यानी 3 cube, 3 into 3 into 3। ओके, ना अब एलसीएम ले लेते हैं इनका, प्राइम फैक्टर क्या क्या है, 2 3 एंड 7। ओके, 2 की हाइस्ट पावर कितनी है, 4, 3 की हाइस्ट पावर 3, 7 की हाइस्ट पावर 1, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 raised to power 4 मतलब 16, 3 क्यूब मतलब 27 into 7, 16 into 27 into 7, 7 7 49, कैरी 4, 7 2 14 प्लस 4 18, 189। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 9 144, तो 4 आ गया, कैरी 14, 16 8 128 प्लस 14 132 142, तो 142 2 आ जाएगा, 14 कैरी ओवर, 16 1 16 प्लस 14 20 एंड 10 30 3024। ओके, तो कितना आ गया इसका मल्टीप्लिकेशन, 3024। एचसीएफ ले लेते हैं, एचसीएफ कॉमन फैक्टर क्या क्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, तो एक 2 आ गया, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 मिल गया, तो 2 into 3 कितना आ गया, 6। तो एलसीएम मिल गया 3024 और एचसीएफ कितना आ गया, 6। ओके, अब इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम ऑफ 336 एंड 54 इंटू एचसीएफ ऑफ 336 इंटू 54, तो ये कितना है इसका एलसीएम, 3024 और एचसीएफ कितना आया है,
6, मल्टीप्लाई कर देते हैं इन्हें, 6 4 जा 24, ओके 4 2 6 2 जा 12 और 2 14, ये आ गया 1 6 3 जा 18, 1 8 1 4 4, ये इनका प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो क्या क्या नंबर दिए थे हमें, 336 into 54। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 336 54 को, 336 and 54, इसको थोड़ा हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, यहाँ हम तीसरा डिजिट कुछ नहीं तो जीरो लगा लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए पहले कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो गया 6 into 4 6 4 जा 24, तो 24 का 2 24 का 4 ये कैरी ओवर कितना हो गया 2, फिर दो डिजिट लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 5 6 जा 30, देखिए 4 3 जा 12 5 6 जा 30, 30 plus 12 42 42 plus 2 44, तो 44 का 4 4 कैरी ओवर, ओके। अभी हमने दो दो डिजिट लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, अब क्या करेंगे, ये आपका जो ये वाला जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है उसको लेंगे और यहाँ पे जो 100 प्लेस पर डिजिट है उसको लेंगे, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 3 से 0 का 6 से और फिर बीच वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या हो जा रहा है, 4 3 जा 12 और ये तो 0 हो जाएगा, 6 into 0 0, 4 3 जा 12 और ये 5 3 जा 15, 15 plus 12 27 27, और ये 4 कैरी ओवर था, 27 प्लस 4 कितना हो गया 31, तो 31 का 1 कैरी ओवर 3। अभी हमने 3 को लेके मल्टीप्लाई किया, अब इसको यूनिट प्लेस वाले डिजिट को छोड़ देंगे, फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 और ये 0 हो जाएगा, 15 plus 3 18, 18 8 कैरी ओवर 1, ठीक है, उसके बाद इन दोनों डिजिट को छोड़ देंगे, ये वंस जो 100 प्लेस पर डिजिट है उनका मल्टीप्लाई जाएगा, 3 into 0 0 और ये 1 बचा तो ये आ गया 1, तो 1 8 1 4 4, तो क्या आ रहा है ये इनका प्रोडक्ट 1 8 1 4 4। एक बार फिर से देखिए हमने किस तरह से मल्टीप्लाई किया था, पहले यूनिट प्लेस पर डिजिट तो उनका मल्टीप्लाई किया 6 into 4 का, उसके बाद ये दो दो डिजिट लिए इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 3 डिजिट लिए 100 प्लेस पर डिजिट और यहाँ यूनिट प्लेस पर डिजिट इनका मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर यूनिट प्लेस का डिजिट और ये 100 प्लेस का डिजिट इसका मल्टीप्लाई और मिड वाले डिजिट का मल्टीप्लाई किया और ऐड करते चले गए, फिर इन डिजिट को छोड़ देंगे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद लास्ट वाले डिजिट का जो 100 प्लस पर डिजिट है उनका मल्टीप्लाई किया है, तो कितना आ गया 1 8 1 4 4, ओके 1 8 1 4 4, यहाँ भी 1 8 1 4 4 आ रहा था, हेंस एलसीएम ऑफ 336 and 54 इनटू एससीएफ ऑफ 336 and 54, दिस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 336 and 54, ये कितना आ रहा 1 8 1 4 4 1 8 1 4 4, और ये हमें वेरीफाई करना था, ओके चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम एंड एससीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ कुछ हमें इंटीजर्स गिवन है, उनके हमें एलसीएम और एससीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ओके चलिए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या दिया हुआ, 12 15 एंड 21 12 15 एंड 21, तो 12 के प्राइम फैक्टर हम अगर करें 3 into 4 4 3 जा 12, तो इसको लिख सकते 2 square into 3, ओके 15, 3 into 5 3 5 जा 15, 21, 3 into 7, तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए। इसका एलसीएम निकालते हैं, क्या क्या प्राइम फैक्टर आ रहा है, 2 3 5 और 7। अब इसकी हाईएस्ट पावर देख ले, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की 1, 7 की भी 1, ओके तो कितना हो जाएगा 2 square 4 4 3 जा 2 square 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 6 into 7 42,
420 इसका एलसीएम आ गया. ओके, एचसीएफ इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए 3 3 3 केवल 3 कॉमन दिख रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3, तो इसका एलसीएम 420 और एचसीएफ कितना है 3 है. ओके, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका 17, तो ये भी प्राइम नंबर है 23, 17 को 17, 23 प्राइम नंबर है, 29 यही प्राइम नंबर है 29, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 17 × 23 × 29. ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो देखिए 29 और 23 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 23 × 29, 9 3 27, तो ये आ गया 7, कैरी ओवर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 18, 3 2 6, 18 प्लस 6 कितना हो गया 24 प्लस 2 कितना हो गया 26, कैरी ओवर 2, 2 2 4 प्लस 2 6 6 67. ओके, तो ये कितना आ गया 17 × 6 67, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 17 7 119, तो कितना आ गया ये 9, 11 कैरी ओवर 17 6 102 102 प्लस 11 113 का 3 कैरी ओवर 11, 17 6 102 प्लस 11 113. ओके, 11 1 3 9, ये इसका क्या मिल गया हमें एलसीएम. एचसीएफ निकालते हैं, अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है, मतलब केवल 1 ही कॉमन दिख रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 ना, इनमें कोई भी दूसरा प्राइम नंबर ऐसा नहीं है कुछ कॉमन आ रहा हो, तो इसमें इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, केवल 1 ऐसा फैक्टर है जो इस पे कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1. ओके, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं. 8 को लिख सकते हैं हम 2³, 9 को लिख सकते हैं 3² 25 को लिख सकते हैं 5², तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2³ 3² × 5² क्योंकि 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, 5 की हाईएस्ट पावर 2 है. ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2³ 8, 3² 9, ये आ गया 8 × 9 × 25, तो 25 8 जा 200, 9 2 जा 18, 18 और ये 20 200 के, तो कितना आ गया, देखिए 25 8 जा 200, 9 2 जा 18 और ये 20, तो कितना आ गया 1800, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम. और इसका एचसीएफ क्या होगा, इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इसका कॉमन फैक्टर कितना है 1, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया 1, तो इसका एचसीएफ 1 और एलसीएम कितना होगा 1800. ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657. हमें इन दो नंबर का HCF दिया हुआ है और इनका LCM फाइंड करना है. अब हमें एक रिलेशन पता है कि दो नंबर का जो LCM और HCF है उनका प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. ओके, तो क्या हो जाएगा HCF ऑफ 306 एंड 657 इंटू LCM of 306 × 657, this equal to 306 × 657. ओके, अब हमें ये HCF गिवन है कितना 9, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देते हैं 9, तो ये रख दिया हमने 9 इंटू LCM of 306 × 657 is equal to 306 × 657, तो कितना आ जाएगा ये LCM of 306 × 657 is equal to 306 × 657 divided by 9, 9 यहाँ आ जाएगा, तो ये 9 से कैंसिल हो रहा है, देखिए नाइन थ्री जा 27, ओके
देन 36 9 4 जा 36 इनटू 657 657 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 657 इनटू 34 इसको हम 3/3 बना लेते हैं। देखिए किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले यूनिट प्लेस पे डिजिट है उनका मल्टीप्लाई करते हैं 7 4 जा 28 4 7 जा 28 कैरी ओवर 2 फिर दो दो डिजिट लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20 7 3 जा 21 20 प्लस 21 41 41 प्लस 2 43 कैरी ओवर 4 ठीक है। अब फिर तीन डिजिट लेंगे हम, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मिड वाले डिजिट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए 6 4 जा 24 24 7 इंटू 0 7 ये 24 और ये 0 आ गया तो 24 प्लस 0 24 5 3 जा 15 24 प्लस 15 39 39 प्लस 4 43 43 का 4 3 कैरी ओवर 4 फिर दो दो डिजिट लेंगे 6 3 जा 18 0 18 प्लस 4 22 कैरी ओवर 2 6 इंटू 0 0 जो 100 प्लेस पर डिजिट उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहा 0 प्लस 2 2 तो 22238 कितना आ गया इनका प्रोडक्ट 22338 ये हमारा एलसीएम होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें बताना है क्या 6 रेज टू पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या ये 0 के साथ में एंड होगा क्या, मतलब 6 रेज टू पावर n का यूनिट डिजिट 0 हो सकता है क्या। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 0 है या फिर वो 0 के साथ में एंड हो रहा है ऐसा बोलें तो वो नंबर हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। ओके तो अगर वो नंबर 5 से डिविजिबल हो रहा है तो उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 जरूर आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 6 रेज टू पावर n के प्राइम फैक्टर की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 होल रेज टू द पावर n, दैट मीन्स 2 रेज टू द पावर n इंटू 3 रेज टू द पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर देखिए 6 रेज टू पावर n के प्राइम फैक्टर में केवल 2 और 3 मिल रहा है, कोई और दूसरा प्राइम नंबर नहीं आ रहा है यहाँ पर। ओके सो द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to the power n is 2 and 3. ओके तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल हमें क्या 2 और 3 मिल रहा है। सो बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देयर आर नो अदर प्राइम्स there are no other primes in the factorization of six raised to the power n। okay तो यहाँ पर और कोई भी prime six raised to the power n में 2 और 3 के अलावा और कोई prime number नहीं मिल रहा है। so there is no natural number n for which 6 raised to the power n ends with the digit 0। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर n नहीं होगा जिसके लिए 6 रेज टू पावर n 0 के साथ में एंड हो, और इस यही इस क्वेश्चन में हमें बताना। सिक्स्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई
7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. हमें बताना ये दो नंबर कंपोजिट नंबर क्यों होंगे. ओके अब देखिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसमें वन और उस नंबर के अलावा अगर उसका कोई और फैक्टर है ठीक है तो वो नंबर क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे. जैसे सिक्स है, सिक्स एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि वन और सिक्स के अलावा उसके फैक्टर क्या होंगे, टू और थ्री भी होंगे. ओके फिफ्टीन वो भी एक कंपोजिट नंबर होगा, वन और फिफ्टीन के अलावा उसके और फैक्टर क्या है, थ्री और फाइव भी है. फाइव प्राइम नंबर है, सेवन प्राइम नंबर है, इलेवन प्राइम नंबर है क्योंकि वन और इलेवन के अलावा उसके और कोई इसका फैक्टर नहीं होगा. ओके तो मैं एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है. देखिए अगर मैं फर्स्ट नंबर की बात करूं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहां से हम देखें 13 कॉमन आ रहा है तो अगर मैं इसमें से 13 कॉमन ले लूंगा तो यहां क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 13. ये मैंने 13 कॉमन ले लिया है तो आप देखिए इस नंबर का जो एक फैक्टर है, एक फैक्टर 13 भी आ गया, एक 13 भी फैक्टर हो, ये पूरा ये एक भी एक नंबर मिलेगा. 7 इंटू 11 इंटू 1 ये कितना हो गया, 77 प्लस 1 78, 78 फर्दर फैक्टराइज हो जाएगा. मतलब यहाँ हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक 1 और इस पूरे नंबर के अलावा इसका एक फैक्टर ये भी आ गया, एक फैक्टर 13 भी है और भी फैक्टर पॉसिबल है इसके, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा. सिमिलरली 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5. अब यहाँ से भी हम क्या करते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस इस 5 की जगह क्या बचेगा, 1. ये मैंने 5 कॉमन ले लिया. ओके तो आप देखिए ये पूरा एक फैक्टर है, उसके अलावा एक 5 भी एक फैक्टर है. ओके तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा. सो देयर आर मोर फैक्टर, मोर फैक्टर्स अदर देन वन एंड नंबर इटसेल्फ. ओके सो देयर आर मोर फैक्टर्स अदर देन वन एंड नंबर इटसेल्फ. So, given numbers are composite number. Okay, यही हमें इसमें एक्सप्लेन करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. सेवंथ क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. Sonika takes 18 minutes to drive one round to the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देख इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एक सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड है जिसके अराउंड Sonika और रवि ड्राइव कर रहे हैं और Sonika को एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लगते हैं जबकि रवि को 12 मिनट्स लगते हैं. तो अगर वो सेम पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं तो बताना है कि दोबारा उसी पॉइंट पे आके वो कब मिलेंगे. ओके देखिए कुछ इस तरह से ये एक सर्कुलर फील्ड है. सपोज ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया Sonika और रवि का. देखिए जब यहाँ से स्टार्ट करें तो Sonika को एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट. इसका मतलब 36 मिनट में वो दो राउंड कंप्लीट करेगी. सिमिलरली जब रवि यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो उसको एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लग रहा है. 24 मिनट में वो दो राउंड कंप्लीट करेगा, 36 मिनट में यानी 12 के मल्टीपल 36 मिनट में वो तीन राउंड कंप्लीट करेगा. तो वो यहाँ पर कब मिलेंगे तो हमें क्या देखना होगा, 18 और 12 का मल्टीपल देखना होगा. और पहली बार कब मिलेंगे आके वो, तो उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना होगा. दैट मीन्स हमें यहाँ पर क्या एलसीएम निकालना है. ओके तो 18 और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 18 के फैक्टर कर लेते हैं तो 2 इंटू 9 यानी 2 इंटू 3 स्क्वायर. 12 के फैक्टर देखते हैं 4 इंटू 3 2 स्क्वायर इंटू 3. ओके सो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इज इक्वल टू, इनके फैक्टर क्या क्या है, 2 और 3
टू की हाइस्ट पावर टू है, थ्री की हाइस्ट पावर टू है, तो कितना हो जाएगा, फोर इंटू नाइन, नाइन फोर जा 36 मिनट। मतलब ये 36 मिनट्स के बाद रवि और सोनिका दोबारा उस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ओके okay?